किसान भाइयों, अर्जुन 605 ये दूसरी पार्टी का है, ये बाद का आया हुआ है, इसके अगले पहियों में मरगार्ड है। अभी मैं इससे जानकारी लूँगा इसके बारे में, जो काफ़ी दिन से ट्रैक्टर को चला रहे हैं। आवाज़ सुनिए, क्या शानदार आवाज़ है। ये कतेक दिन हो गए थारे से आए को? 2 साल हो। कितने घंटे चल गया 2 साल में? 1800 घंटे। कोई शिकायत? बढ़िया, चलो बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, 1800 घंटे चला है। इन्होंने अगले पहिए में मरघाट लगवा लिए हैं, 14 के टायर हैं इसमें, नहीं 16 के टायर हैं। 7 फुटा रूटावेटर, ज़्यादातर हमारे यहाँ 7 फुटा ही चलाते हैं क्योंकि रास्तों की दिक्कत पड़ती है। किसान भाइयों, ये लड़के वे हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन समय पे नौकरी ना लगने के कारण काफ़ी रेस लगाई, नंबर नहीं आया बेचारे को, ना पुलिस में ना मिलिट्री में। आखिर खेती के साथ थोड़ी बहुत ज़मीन भी है कि देखो, किसान की ज़मीन घटती जा रही है। मैंने इनको सलाह दी थी, भाई ट्रैक्टर ले लो बड़ा। इनके पास पहले फार्म ट्रैक 35 था, फिर इन्होंने सोनाली का लिया 60, वो आज भी है, कंप्यूटर मांझे पे चलता है। फिर ये अर्जुन लिया, फिर एक स्वराज 855 भी है, और अभी अभी इन्होंने सेकंड हैंड एक वो लिया है, इंडो फार्म, शायद 50 HP वाला। अब इनके पास 4 या 5 ट्रैक्टर हो गए हैं, 5 ट्रैक्टर हो गए, और ये 4 भाई हैं लड़के, इनके पापा भी हैं। ज़मीन थोड़ी है, 20-22 बीघा ज़मीन है, सैनी है हमारे गांव में, ये बहुत मेहनती हैं, ये गेंदे के फूल भी बोते हैं, खेती करते हैं, और किसानों की ज़मीन ठेके भी ले लेते हैं, गन्ना भी बोते हैं, और ट्रैक्टर से भाड़ा भी करते हैं। मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, अगर इनके ये मशीनरी के साधन ना होते तो इनमें चारों भैया में जुत्ता बजता, अब लोग ये अलग हो जाते और टिपन लेकर नौकरी करने जाया करते, मजदूरी बेचारे, क्योंकि किसान का 5 बीघे में गुजारा होता नहीं। लेकिन वो इन बच्चों ने वो कर दिखाया कि एक मिसाल है हमारे गांव में कि 5 ट्रैक्टर, इनके पास टाइम नहीं है बैठने का भी, क्योंकि किराया कभी नहीं छूटता, किराया खूब मिलता है, करने वाला होना चाहिए, हर किसान ट्रैक्टर नहीं रोक सकता। कोई किसान सोचता हो कि मैं अपनी 10 बीघे ज़मीन में ट्रैक्टर ले लूं और उसे एक ही काम करूं, साइड काम तो करना ही पड़ेगा, और साइड काम करने के लिए छोटा ट्रैक्टर ना लेकर बड़ा ही ट्रैक्टर लिया जाए। तो दोस्तों, मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। कुछ मेरे बड़े भाई हैं जो थोड़ा, मतलब बड़े का मतलब है थोड़े घर के अच्छे खाते पीते हैं, वो कुछ कमेंट ऐसे करते हैं, टोंट से करते हैं, ऐसे ना क्या करो, क्योंकि सब तुम्हारी तरह रईस नहीं है, मीडियम परिवार भी हैं, छोटे भी हैं, सभी का ख्याल रखो, किसी को ठेस ना पहुँचे, ऐसी बात कहा करो भाइयों। ये तो जीवन है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना पालन पोषण कर रहा है अपने परिवार का, काम करने में बुराई नहीं है। पंजाब में जाके देखिए, कंबाइन जो है ये सब किराए पर चलती हैं, बड़े बड़े लोग, सरदार लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी बड़ी कंबाइन है, बड़े बड़े ट्रैक्टर उनके पास हैं, तो करने खाने में बुराई कुछ नहीं है। सारे काम हर आदमी नहीं करते, सबके अलग अलग रुझान है। दोस्तों, बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।